हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है 8 मार्च। भैया मैं आ चुका हूँ आपको दिल्ली मेरठ RRTS की जर्नी कराने, क्योंकि इसका सेकंड फेज जो है इनॉग्रेट कर दिया गया था 6 तारीख को मोदी जी द्वारा, और 8 और ये जो है गाजियाबाद से जो है अब जो है रेडी हो चुकी है चलने के लिए मोदी नगर तक। तो इस यात्रा को पूरा करूंगा आपको, ये टिकट प्राइस डिटेल्स, यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे जर्नी कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाता हूँ गाजियाबाद का स्टेशन, ये हमने पहले भी दिखाया था जब दुहाई तक चली थी। इसको वीडियो को जो है मैं 2 पार्ट में बांटने वाला हूँ। जो मुरादनगर जो नया स्टेशन बना है वहां पे उतरेंगे, वहां से फिर दोबारा से चढ़ेंगे, स्टेशन दिखाएंगे और फिर मोदी नगर तक जाएंगे। इस तरीके से कुछ करेंगे कि आपको प्रीमियम क्लास स्टेशन और जो इसका 2 क्लासेस है वो दोनों दिखाने के बाद सारी जर्नी मतलब आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं। सो ये देखिए, ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं गाजियाबाद का स्टेशन है रैपिड एक्स का, और कितना सही लग रहा है ना ये बड़ा सा। इसके अलावा दिल्ली वाले जो हैं, मतलब ये है कि इस ट्रेन के चलने से ना मोदी नगर से जो लोग दिल्ली NCR में गाजियाबाद में जॉब करने आते हैं उनके लिए काफी इजी हो जाएगा, या फिर दिल्ली से जो कम्यूटर्स हैं मोदी नगर साइड उनके लिए इजी हो जाएगा। किराया क्या है वो मुझे अंदर जाके पता लगेगा। यहाँ अगर आप खाली वैसे जैसे होता है ट्रेन की जर्नी करने आना चाहते हैं दिल्ली से हैं, तो आपको नजदीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा ये शहीद स्थल का, जो कि बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको रोड क्रॉस करनी है सिर्फ। अगर आप अपनी गाड़ी बाइक से आते हैं तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये पार्किंग फिलहाल के लिए फ्री है, काफी एम्पल पार्किंग स्पेस है यहाँ पर आप देखेंगे तो। और चलो अंदर चलते हैं स्टेशन के, स्टेशन दिखा थोड़ा सा स्टेशन दिखाते हैं। मेन फोकस रहेगा अपना मुरादनगर और मोदी नगर। तो देखिए सामने टिकट काउंटर बना हुआ है, टिकट कार्ड, और इसके अलावा जो आप टिकट जो है वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं। इसमें जो है UPI वगैरह से भी पेमेंट हो जाती है इस वेंडिंग मशीन में, और इनकी RRTS की ऐप भी है, उससे भी आप बुकिंग कर पाएंगे आराम से। यानी कि 3 ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं टिकट बुक करने के। इसके अलावा आपको इसका रूट एक बार समझा देता हूँ मैं आपको पहले जर्नी करने से पहले। सो ये देखिए मैं इस समय हूँ गाजियाबाद वाले पे, ठीक है। गाजियाबाद दुहाई डिपो तक हमने पहले भी दिखाया था आपको। अभी जो है मैं आगे जाऊंगा मुरादनगर मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ तक ये चली है फिलहाल। मेरठ का अभी बना नहीं था इसलिए वहां तक स्टार्ट नहीं करी गई, उसके बाद आगे तक जानी है मोदीपुरम तक। सो इसका काफी बड़ा रूट रहने वाला है, और जो स्टार्ट होगी वो दिल्ली के जंगपुरा से स्टार्ट होगी सराय कालेगा, बहुत लंबा रूट रहेगा। फिलहाल के लिए जो रूट है वो मैं 17 किलोमीटर का एक्सटेंड हो गया, यानी कि टोटल 34 किलोमीटर हो गया, वो आपको दिखाने वाला हूँ। अगर टिकट की बात कर लें तो टिकट का किराया जो आप सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है इन्होंने अभी नया लगाया है ना, पहले ये बड़ा सा लगा हुआ था, सो अभी लग जाएगा बड़ा भी। सो इसमें जो है ना साहिबाबाद से टोटल 9 स्टेशन रहने वाले हैं। मैं गाजियाबाद पे हूँ, साहिबाबाद से टोटल जो है 9 स्टेशन है। 9वें स्टेशन का 90 रुपये रहने वाला है आपका स्टैंडर्ड क्लास का, यानी कि मोदीनगर नॉर्थ तक का। और अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो 180 रुपये रहने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है डबल हो रहा है आप देखेंगे। और सबसे कम किराया 20 रुपये है, यानी कि 20 रुपये से इसका जो है साहिबाबाद से तो किराया शुरू हो रहा है 20 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, 40, वहीं प्रीमियम क्लास का 40 रुपये से शुरू हो रहा है। सो इस तरीके से डबल प्राइस आप कह सकते हैं कि रहने वाला है प्रीमियम और उसमें डिफरेंस स्टैंडर्ड क्लास में। दोनों का क्या डिफरेंस है वो भी हम ट्रैवल करके पता लगाएंगे। इसके अलावा आपको टाइमिंग्स के बारे में बता दूं तो आपको स्क्रीन में भी सामने नजर आ जाएगा, पोस्ट करके भी आप देख सकते हैं। पहली ट्रेन मंडे टू सैटरडे 6:10 पे चलती है और संडे को सुबह 8:10 पे चलेगी फिलहाल पहली ट्रेन। लास्ट ट्रेन रहने वाली है मंडे टू सैटरडे 8:10 पे रात को, संडे भी 8:10 है। लास्ट टिकट की सेल रहेगी 8 बजे के करीब। तो ये तो डिटेल हो गई आपको इसकी। भाई टिकट काउंटर क्यों बंद है देखो, बड़ी अजीब बात लगी मुझे ये तो, ना पता चल पाया, बट यहाँ से टिकट बुक हो जाएगी मोदी नगर तक की ट्रेन चल चुकी है। देखते चलो, इसमें लिखा है क्लिक टू कंटिन्यू कर दिया भाई। वेलकम टू RRTS बाय टिकट, ठीक है जी, सिलेक्ट जर्नी क्लास। सो ऐसा करते हैं अभी हम स्टैंडर्ड में जाते हैं, आगे से प्रीमियम लेंगे आप लोगों के लिए। हमें जाना है मोदी नगर नॉर्थ, प्लीज सिलेक्ट द स्टेशन मोदी नगर नॉर्थ 80 है। Please select journey type and the number of tickets. Single journey. Single Please ticket. Please select the payment option. UPI कर लेंगे. Scan QR for payment. Okay, यहाँ पर जो है यहाँ पे QR कोड आएगा यहाँ पर, ये देखिए इसको स्कैन कर लेता हूँ जरा, फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है अपनी पेमेंट हो गई 80 रुपये की, टिकट की तरह रहेगी। Thank you.
Have a nice टिकट trip. इसके अंदर आएगी भाई, टिकट आ गई. तो भाई ये टिकट अपनी इसको लगाएंगे यहाँ पर. क्यू आर टिकट ओपन हो गया गेट अपना. चलो अंदर चलते हैं. अभी जो है मैं हूँ गाजियाबाद. देख लो कितना बड़ा स्टेशन है भाई साहब, पहले भी दिखाया था, पर फिलहाल तो हम चलेंगे. ओहो, हमने मोदी नगर नॉर्थ तक की ले लिया है, गलती हो गई. मैंने सोचा था आपको मुराद नगर वाला स्टेशन. चलो कोई नहीं, ऐड करेंगे आते हुए आपको दिखाएंगे. ये है टूवर्ड्स मोदीपुरम. तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं. मोदीपुरम वाली मेरठ मोदी नगर साइड जाएगी. कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा है. ये गाजियाबाद स्टेशन का है, अपने दिल्ली मेट्रो जैसे रैपिड के स्टेशन कुछ नजर आएंगे आपको. लेकिन हाँ, ये वाला तो काफी बड़ा भी है, कुछ चीजों के डिफरेंस है. बाकी ये देखिए, इसमें भी महिलाओं का कोच मिलता है, लेकिन ये जो कोच रहेगा शायद सेकंड नंबर का कोच रहता है भाई महिलाओं का. फर्स्ट नंबर जो होता है ना प्रीमियम का रहता है. अभी प्रीमियम की टिकट नहीं ली थी हमने, स्टैंडर्ड टिकट ली है. इसमें लिखा है इसमें या नहीं, ये तो सिंगल जर्नी टिकट लिखा. खैर, पर ये मुझे पता है कि ये स्टैंडर्ड लिया है क्योंकि डबल चार्ज था उसका. तो प्रीमियम जब आप लेंगे तो आपको ये वाला अलग सा मिलेगा, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा. यहां से आपको फिर से स्कैन करना होगा, तब आप प्रीमियम में जा पाएंगे. वाह, सफर तो हम पहले कर चुके हैं इसमें. ट्रैवल तो एक लेडीज चला रही है, वुमन पावर. ये है अपनी 11वीं जारी, खाली चलती है. बड़ा दुख होता है, कितनी बढ़िया ट्रेन को. मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड का किराया 90 रुपए मोदी नगर तक का. पता नहीं, मैं तो रेगुलर ट्रैवलर नहीं हूँ, रेगुलर ट्रैवलर इसे देख रहा है जो बस वगैरह से जाता हूँ. मेरठ में जाता था तो मेरे ख्याल से यार पैसे तो बस के तो 200 रुपए लग जाते होंगे. मेरठ तक के तो 200 से ज्यादा, 200 तो मोदी नगर तक के कितने लगते हैं? स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो 90 लग रहे हैं इसमें. बाकी हो सकता है फ्यूचर में कम करते जैसे जैसे कम्यूटिंग बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे. फिलहाल ये देखिए अंदर चलते हैं इसके. ओपन हो रहे हैं, ये देखो. इसमें ना ये प्रेस करना पड़ता है आपको, तभी ओपन होंगे. देखा, ये सिस्टम है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. और ये हम आ गए भाई इसकी स्टैंडर्ड ट्रेन में. क्या बात है, ये स्टैंडर्ड. आप पहले ना स्टैंडर्ड देखो, जिससे आपको समझ आएगा कि प्रीमियम में क्या फर्क है. मैं आपको बताऊंगा बाद में. ये देखो, ये सीट्स हो गई इसकी. ये कुछ छोटा सा ही बना रखा है यार, न्यूज़पेपर होल्डर तो नहीं कहूंगा इसे, आएगा तो नहीं इसमें. इसके अलावा यहाँ पर आपको मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे यूएसबी वाले, दो हर सीट पे, दो दो. अनाउंसमेंट हो गई, दरवाजे दूर हट रहे हैं. और इधर देखो, अपडेट हो गया सुना है. काले खातों की खैर शुरू नहीं हुआ, बट मोदीपुरम बनाया पूरा ही चार्ट हुआ है जो ये रहने वाला है. अब हम जो है मुरादनगर उतर जाएंगे, कोई बात नहीं. वैसे टिकट मेरे पास मोदीनगर नॉर्थ तक की है, क्योंकि मुझे प्रीमियम क्लास में करना है आगे का सफर. और ये जो है ना, ये ऐसे ही खुलते हैं, जब रुकेगी तो आपको प्रेस करना होगा बाहर से भी और अंदर से भी. इसके अलावा यहाँ पर और क्या नजर आ रहा है मुझे, बटन प्रेस करें, उत्तर की परीक्षा का वेट करें. कुछ आपको बात करनी है कुछ इमरजेंसी में, उसके लिए है. ऊपर सामान रखने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है. लगेज के लिए देखिए अच्छा स्पेस है, ठीक है. बीच में खड़े होते हैं तो पकड़ पकड़ के भी आप चल सकते हैं आराम से. ये हो गया, स्क्रीन लगी हुई है. स्क्रीन पर भी कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है, स्क्रीन ब्लैंक है, लेकिन डिस्प्ले होता है. टाइम तो आ रहा है बट अभी फिलहाल नहीं हो रहा है. इसके अलावा जो है यहाँ पर सीट जो है ना, ये वाली, ये कुछ पकड़ने के लिए बना दिया गया है. और बैंड नहीं होती है, ये पुश वाली नहीं है, ये स्टैंडर्ड में उस समय में. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक जबरदस्त कैच है. मतलब मैं सच बताऊँ तो अभी तक मुझे एक तो ना, मतलब अभी तक जो मेरे को लगा है प्रॉपर अरेंजमेंट अभी बिल्कुल भी नहीं है. देखो आप, देखो प्लेटफॉर्म पे एक बंदा नहीं है जो कोई हेल्प कर सके. यहाँ बड़ा अजीब सी चीज है, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे यहाँ उतरा हूँ. ये दुहाई डिपो है, दुहाई डिपो भी नहीं है, खाली दुहाई है. मुझे किसी ने बोला ये दुहाई डिपो तक जाएगी, आपको यहाँ उतरना है. मैं यहाँ उतर गया भाई, मतलब मोदीनगर नहीं जाएगी. मैं नीचे क्या पता करने, वो कहते जाएगी, लेकिन आपको यहाँ से इंटरचेंज करनी है मोदीनगर साइड जाने के लिए मोदीपुर. सो अब मैं जो है, यानी कि मैं यहाँ से जो है अब इधर वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए होंगे. एक था, एक से उतर के मैंने इधर ही रहना है आपको, बस इधर
प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, लेकिन यहाँ भी ना दुहाई डिपो लिखा हुआ भी नजर आ रहा था। सो देखते पता कर लेते हैं एक बार। ओके भैया ऐसा है, अब मैंने यहाँ पे बात कर ली और बात क्लियर कर देते हैं सारी कंफ्यूजन दूर। तो दिल्ली में यमुना बैंक कैसा स्टेशन है वहाँ पर आपने देखा होगा कि कभी कभी 2 ट्रेन होती है वहाँ पे, एक वैशाली की तरफ आती है दूसरी नोएडा की तरफ जाती है, तो आपको देखना पड़ता है वैशाली है या नोएडा, ऐसे कई सारे स्टेशन पर होता है वो सिस्टम था यहाँ पर। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ही गलती कर दी या उन्होंने बताया नहीं, वहाँ पे मुझे साहिबाबाद वाली पे चढ़ना, तो मोदी नगर वाली पे चढ़ना था जिसपे मोदी नगर लिखा होगा, तो वो आप इसी में सीधे चले जाएंगे दुहाई डिपो से होते हुए। लेकिन अगर आपने दुहाई डिपो तक के लिए तो आपको दुहाई पे उतरना पड़ेगा, फिर यहाँ से इंटरचेंज करनी पड़ेगी। समझे बात, क्लियर हो गई होगी आई होप यार। बेसिकली 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, दूसरी साहिबाबाद से सीधा मोदी नगर तक, ऐसा हिसाब रहने वाला है। अब मैंने यहाँ तक मैंने ली थी, मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, तो इसलिए मुझे यहाँ से चेंज करनी है। यहाँ से आएगी जब मोदी नगर वाली, तो उसमें चढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, उस प्लेटफॉर्म पे देखिए वो आई है वहां से डिपो से साहिबाबाद जा रही है खाली खाली। बढ़िया, अगर आप देखोगे ना अंदर यही रहता है, और ये इसकी सर्विस अभी जो है लोगों को इसका भी वो नहीं पड़ा आदत। ओ भाई यार लास्ट जो है ना मेरी मोदी नगर वाली ट्रेन आ गई है, बल्ले बल्ले हुए आखिरकार इसने दर्शन दे दिए मुझे इतनी देर बाद कि पूछो मत भाई, आधा घंटे से ऊपर वेट कराया भाई साहब इसने, अब चलेंगे अंदर भाई, बहुत इंतजार के बाद आई है। अरे पौना घंटा हो गया होगा कम से कम। अब चलेंगे भाई, देखो मेरे ठाव ठीक है, मोदी नगर तक जाएगी। यस दिस इज द ट्रेन एट लास्ट। चलो माफ किया, आजा आजा पैसेंजर आएंगे बाहर, बटन दबेगा टिश्यूम करके खुलेगा, आएगा मजा। लोग थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, ये भी स्टाफ भी पैसेंजर का है, सारा स्टाफ बैठा हुआ मुझे लग रहा है यहाँ पर भी। तो चलो ये ट्रेन में आपको दिखाई दी थी, अब जो है ना आते हुए थोड़ा सा और दिखा के स्टेशन दिखाते हैं आपको पहुंच के। यहाँ ये देखो, ये देखो इसमें स्क्रीन भी चल रही है, नहीं चल रही है। दुहाई मुरादनगर मोदी नगर दक्षिण उत्तर, अगला स्टेशन मुरादनगर है। नेक्स्ट स्टेशन इज मुरादनगर, आपको प्रीमियम जो है प्रीमियम क्लास आते हुए दिखाते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि सह यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में यात्रा करते समय अपनी पीठ पर सामान न रखें। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट, वो देखो उधर वाली लाइन थी वो डिपो वाली, सीधी ट्रेन में आता तो सीधा जाता जो आपको लेके जाएगी मोदी नगर तक। ये इधर से देखो दोस्तों, यहाँ से नहीं ये कट गई 116 हो गई अभी इसकी स्पीड, वैसे इसकी ज्यादा स्पीड है अराउंड 160, बट अभी वही है कि ये ब्रेक कम पे हो रही है। दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे, कृपया ट्रेन नगर आ गया, लेकिन नगर अपनी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का कृपया यात्रा सेवा में थोड़ा विलम्ब होगा, इस असुविधा के लिए हमें खेद है। देयर विल बी अ शॉर्ट डिले टू दिस सर्विस, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज। हवा में रुकी हुई है, देख लो 6:30 वीडियो पे लाइक शेयर करो लोगों के साथ, वो तो कोई नहीं है यार, जब चल जाएगी प्रॉपर। तो आज फर्स्ट डे और फर्स्ट गली में बैठा हूँ मैं, तो हो जाता है कभी कभार। बढ़िया की इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था, काफी फायदेमंद रही है। अपना लास्ट स्टेशन के लिए चल दिया मोदी नगर नॉर्थ आ जाएगा, वहां उतरेंगे, वहाँ निकलेंगे, स्टेशन दिखाएंगे और उसके बाद टिकट लेके प्रीमियम भी सीधा देंगे। प्रीमियम क्लास का थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, बाकी जर्नी तो सेम ही रहने वाली है। कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों, मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद मैं पहुंच गया हूँ मोदी नगर, जो कि लास्ट स्टेशन है। ये सजा भी हुआ दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ का इनॉग्रेशन हुआ है,
वो साहिबाबाद गाजियाबाद वाले थोड़ी ना बने थे। और एक बात और क्लियर कर दूं, मैं गाजियाबाद से चढ़ा था क्योंकि मेरे को वो स्टेशन जो है वहां से सही स्थल बड़ा पास पड़ता है। साहिबाबाद से भी आप चढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट बहुत ईजी है वहां से आना, वो बिल्कुल सामने ही है रोड क्रॉस करके ना दिल्ली मेट्रो से। बाकी ये मेट्रो स्टेशन भी दिखा देते हैं आपको, नीचे चलते हैं क्योंकि मुझे नीचे तो जाना ही पड़ेगा और पूरा हाइट पे बना हुआ है अच्छी खासी, भाई सब घर पर नजर आ रहे हैं। नीचे चलते हैं, मुझे टिकट लेनी पड़ेगी ना एग्जिट करके भाई, फिर दोबारा आना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अभी नीचे एग्जिट कर जाते हैं तो सो भैया देखो मैं आ गया हूँ, ये है मोदीनगर नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे पार्किंग वगैरह यहाँ पर भी है, फ्री पार्किंग रहने वाली है आपकी, और मैं इसलिए नीचे उतरा, मैंने कहा आपको ये दिखाएंगे तभी अंदर जाएंगे दोबारा से, आगे की ट्रेन जब जाएगी तब जाएगी। पहले सोचा था दो वीडियो बनाएंगे, अब एक ही में डालेंगे आपको क्योंकि प्रीमियम और दोनों एक ही चीज में दिखानी चाहिए। कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा रखें, ओवरऑल ठीक था, बस ये कि जाने वाली ट्रेन ज्यादा डिले ना करे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि काम बहुत है, एडिट भी करनी है। तो चलो यार वापिस चलते हैं ऊपर की तरफ, अपनी टिकट लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्लावर्स वगैरह लगे नजर आ रहे हैं, एलिवेटर स्टेयर अभी चल नहीं रही है। यहाँ का काम काफी अभी थोड़ा सा पेंडिंग है बाहर का क्योंकि मेरे को घंटा गुजरा था, नजर नहीं आया बोर्ड। सो टिकट तो मैंने आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में कैसे लेनी है, तो अभी वो रिकॉर्ड नहीं करते, टिकट लेके निकल लेते हैं, स्टेशन दिखा देते हैं आपको यहाँ का थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नमो भारत सेवाओं का RRTS दुआई, ये वाला जो था ना 17 किलोमीटर का खंड का उद्घाटन किया गया था। और भी देखो ये मशीन लगाई गई है, मशीन से टिकट लेके फटाफट से यहाँ से चेक करा के और अब निकलते हैं। तो यार टिकट जो है ना यहाँ से जैसे कि मैंने कहा था ऑलमोस्ट डबल है, अभी 160 रुपए की टिकट ली है मैंने, पहले 80 की ली थी, अब मैं आपको प्रीमियम में लेके जा रहा हूँ, प्रीमियम क्लास में चलते हैं। आपकी बार प्रीमियम का मजा भी ले लेंगे ना, फिर मजा आएगा यहाँ से चेकिंग कराने के बाद चलते हैं। ये तो है, आगे तो जाएगी नहीं, ये तो मोदीपुरम जब चल जाएगी तो उस पर जाएंगे, अभी जो है हमने जाना है इधर की तरफ। फ्यूचर को सोच के बना दिया गया ना, तो यहाँ सराय काले खा लिखा है, समझ रहे आप, लेकिन हमने तो जाना है अपना गाजियाबाद, तो यही वाली जाएगी, इस पर चढ़ जाएंगे। चलो तो ये देख रहे हो ये स्टेशन पे आ गया मैं, और इधर लिखा हुआ है साहिबाबाद, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है मोदीनगर। मेरे पास जो है प्रीमियम क्लास की है, प्रीमियम क्लास में चलते हैं, आपको प्रीमियम क्लास का दिखाते हैं कुछ सीन जैसा रहने वाला है। टाइम पे नहीं हो रही, ठीक है, टिकट के बिना यहाँ से आपकी प्रीमियम क्लास की एंट्री होगी नहीं, डबल टिकट, डबल रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी आपको। प्रीमियम में आपको कुछ इस तरीके का, उधर सिटिंग थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा था मुझे, यहाँ भी ठीक है थोड़ा सा, कैफे जैसा लुक आ रहा है ना, देख रहे हो। न्यूज़पेपर भी आएंगे, न्यूज़पेपर भी आएंगे आप लोगों के लिए, मस्त एकदम ट्रेन ऐसे जब आएगी ना तो दिखाऊंगा आपको क्या लगेगी। पूरा स्टेशन देख रहे हो, ये वाला डेकोरेट हो रखा है, ये देखो ये आ गई अपनी, मतलब आई है ये, वापस जाएगी ना तब इसमें मैं चढ़ जाऊंगा। ये आ गई अपनी ट्रेन, अपनी मंजिल से बंद हो रहा है, अपनी मंजिल से खुल रहा है भाई, ये प्रीमियम क्लास है। अरे मैडम जी आई है, देखो ये वाली क्लास सीट है ना, ठीक है आप देखो इसका डिफरेंस दिखा देते हैं। पहले आपको फटाफट से सेम चीज है, लगेज रखने के लिए सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। चार्जिंग पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें USB प्लस प्लग दोनों आप लगा सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग मिल रही है यानी कि इसमें आपको, ठीक है। वो देखो जी भैया जी वहाँ से ट्रैवल करते हैं, कैप्टन साहब, और ये इधर जो है ये वाली जो है इनमें देखो यहाँ पर ये अच्छा सा बना रखा है, सीट इसकी थोड़ी बड़ी लग रही है उसके मुकाबले मुझे, मोर कम्फर्टेबल। ये देखो इसकी जो है ना सीट्स कुछ ज़्यादा बड़ी हैं उसके मुकाबले, स्टैंडर्ड के मुकाबले कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर ये बड़ा सा दे रखा है पकड़ने के लिए, ये चीज़ें तो सेम है, और जो है ना ये पुश बैक है, होनी तो चाहिए आई गेस। बाकी इसमें जो यहाँ पर और भी चीज़ें रखी है, बॉटल होल्डर हो गया, न्यूज़पेपर होल्डर हो गया, ये कुछ बैग वैग टांगने के लिए होगा, जैसे आप इस पर हैंग कर सकते हैं, लेडीज़ बैग वगैरह होता है, अपना कोई हैंड बैग होते हैं इस तरीके से यहाँ पे हैंग हो जाएगा, करें हैंग, ये देखिए इसको ऐसे करके यहाँ पे ये मेरा बैग हैंग हो गया।
कुछ सीट्स का जो है इधर की तरफ फेस है और कुछ का उस तरफ है, क्योंकि ट्रेन इधर जाती है तो कभी उधर से इधर आती है, तो दोनों तरीके का आपको यहाँ पर जो है मिलता है ट्रेन में। अभी तो चलेगी ओके, सो ये बैंड हो जाएगी, इसके हैंड रेस्ट पे यहाँ पे ये पुश बटन दे रखा है, इसको दबाओगे तो ये बैंड हो जाएगी। एक डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, ब्लाइंडर्स भी मिल जाएंगे आपको धूप वगैरह से बचने के लिए, ये देख रहे हो ये डिफरेंस है। प्रीमियम में एक फ़ायदा आपको ये भी मिल रहा है, ये देखिए वेंडिंग मशीन का, यहाँ पर आपको इनमें से कोई चीज़ खानी पीनी है तो आप अपना यहाँ पर ये स्कैन करके पेमेंट करके UPI से अपना ले सकते हैं। लस्सी पड़ी है फ़िलहाल, तो कॉफ़ी है, विनीबिग के बिस्किट हैं। सो जी अपनी ट्रेन जल्दी प्रीमियम क्लास, ओके एकदम स्पीड पकड़ी है। ये जो है प्रीमियम कार क्लास से उधर नहीं जा सकते स्टैंडर्ड में, जैसा मैंने पहले भी दिखाया था ना आपको। यहाँ पर एक और शायद बैग वैग बड़े बड़े जो आपके बैग सोचे लगेज होते हैं वो भी रखने के लिए स्पेस है प्रीमियम में, यहाँ पर भी स्पेस बना हुआ है। सो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आपको इतना ही दिखाना था, मैं गाज़ियाबाद से किस प्रकार जो है अपना मोदीनगर पहुँचा। थोड़ा सा दिक्कत हुई फर्स्ट डे था, फर्स्ट ट्रेन में चढ़ा था, बट ओवरऑल मज़ा आया। काफ़ी जल्दी आप पहुँच जाएंगे, जो आपका सफ़र हो जाएगा वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा वाना। यहाँ पर प्रीमियम क्लास और स्टैंडर्ड क्लास दोनों का मैंने डिफरेंस दिखाया, स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड थी अभी प्रीमियम थी, डिफरेंस दिखा दिया मैंने दोनों का। आप दोनों में अपने अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकते हैं, किसी में भी करिए, वो भी कम्फर्टेबल थी, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कम्फर्टेबल है, दोनों ठीक है और जर्नी मज़ेदार रहने वाली है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेहनत लगती है, सुबह सुबह आए थे यार वीडियो बनाने के लिए, फर्स्ट डे जिस दिन चली है डाली है, व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट करिएगा वो भी अच्छा लगता है। अगली वीडियो फिर मुलाकात करेंगे नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।